चंदा रे चंदा रे, धीरे से मुस्का। नमस्ते, मैं हूं हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM विशेष मुलाकात। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और हमारे साथ मुंबई से मेहमान आए हुए हैं विकास जी, जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका इस ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद हुआ है, वो एक्सपीरियंस हम उन्हीं से सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से विकास जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। जी जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें। ओके, इस शरीर का नाम विकास है जी जी, और मैं महाराष्ट्र सतारा से हूँ। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली भारतीय थल सेना से, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस, और पिछले 3 साल से 2020 से मैं वो ओम शांति संस्था से जुड़ा हूँ। चलिए विकास जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप पिछले कुछ समय से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, थल सेना फिर पुलिस, यहाँ वहाँ आपने जो है अलग अलग अपनी सेवाएं दी हैं पब्लिक सर्विसेज में, और अब माउंट आबू में आकर जो एक्सपीरियंस आपने किया है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए और किस तरह से ये योग बना, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हुए माउंट आबू आने का कैसे हुआ जी? एक्चुअली बहुत लंबे समय से मेरी पत्नी सौ संगीता जी जी मुझे बोलती थी कि हम माउंट आबू चलेंगे। बिल्कुल, मेरे ससुर जी माउंट आबू से हमेशा आते जाते रहते थे। पिछले 2013-14 से वो जुड़े थे इस संस्था के साथ। तो हमें इच्छा थी लेकिन मौका नहीं मिलता था। तो देखो, बाबा जी ने हमें याद किया, बुलाया और हम चले आए। बिल्कुल, मैं पिछले 11 साल से 4 दिन से ऊपर छुट्टी नहीं लिया। मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मैं एक काम से जुड़ा हूँ और मुझे छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन सिर्फ मुझे इधर जाना है इतना बोलने के बाद मुझे मेरे बॉस ने छुट्टी सैंक्शन किया और मैं बाबा जी के चरणों में इस जगह पर पहुँच गया। विकास जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अध्यात्म से मना घर का माहौल रहा है और संगीता जी भी आपकी जो धर्म पत्नी है उनका भी इस मार्ग में जुड़ना चालू है, तो संगीत या फिर भक्ति गीतों में से कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता हो, ऐसा कुछ है? सर एक्चुअली मेरी पोती कि वो जो शाम को 10 बजे गीत लगता है, सो जा नहीं, तो उस गीत से जब तक वो गीत सुनती नहीं वो सोती नहीं, तो डेली शाम को हमारा 10 बजे वो सो जाने, वो बच्चे का गीत होता है, वो लगा रहता है। सो जा आत्मा रानी। जी हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और जैसे कि आप इन पब्लिक सर्विसेस में रहे हैं तो आपकी व्यस्तता रहती है, तो क्या उसमें कुछ समय मिलता है जहाँ पर आप अपने मन को रिलैक्स कर पाए? सर बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। भारतीय स्थल सेना में जी जी बिल्कुल समय नहीं मिलता। अगर आप सोचेंगे कि खुद के लिए 1 घंटा तो नहीं दे सकते। महाराष्ट्र पुलिस में थोड़ा सा समय है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, मतलब कब समय मिलेगा पता नहीं चलता आपको, और उस वक्त आप कहाँ होंगे। लेकिन अभी प्राइवेट में बहुत समय है, सिर्फ आदमी ने निकलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी समय है, कोई टूर पर जा रहा है, जैसे छुट्टी मिल गई टूर पर चला गया, तो उन्होंने थोड़ा सा वो ब्रेक कर अगर ये अध्यात्म के साथ या आप ऐसी संस्था के साथ जुड़ जाए तो समय मिलेगा। बिल्कुल, और समय निकलना पड़ेगा, मिलेगा तो निकलना पड़ेगा।
चलिए विकास जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और जिस तरह से हम लोग पब्लिक सर्विसेज सेक्टर में रहते हैं और थल सेना हो या पुलिस हो, यहाँ पर जो है समय का अभाव रहता है, क्योंकि एक इमरजेंसी वाली काम होते हैं, भले रिलैक्स भी रहेंगे पता नहीं क्या आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो जैसे हॉस्पिटल में भी कोई काम करता है तो बंदा रिलैक्स तो रहता है, फ्री है तो, लेकिन वो रिलैक्सेशन उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी पेशेंट आ जाए, कभी इमरजेंसी आ जाए, कभी कुछ हो जाए, तो उनका हमेशा जो है एक जागरूक अवस्था में रहना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे वो इसीलिए पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते और अलर्ट रहना पड़ता है। तो यहाँ पर समय निकाल के जब हम लोग ऐसे संस्थाओं से जुड़कर मौका निकाल के आते हैं तो यहाँ पर हमको जो है एक समय मिल जाता है, क्योंकि यहाँ फिर घर बार की बात नहीं होती, ना ही बिजनेस या नौकरी की बात होती है, ना ही ड्यूटी का कोई टेंशन होता है। यहाँ पर आप फ्रीली आकर उसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और अनुभव करते हैं। बिल्कुल महसूस किया मैंने। तो विकास जी, यहाँ पर जो आपने अनुभव किया है उसका थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए हमें। बिल्कुल, एक्चुअली मैं काम से बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरा 24 आवर्स का काम है। बिल्कुल। और आज 1 तारीख से आज 7 तारीख तक मुझे ना कोई फोन आया, ना कोई जिम्मेवारी लग रहा है मुझे कि मेरे ऊपर फालतू की जिम्मेवारी है। आज मैं बाबा के चरणों में और ऐसी जगह पर पहुंच गया कि मैं सब कुछ भूल गया। सिर्फ मुझे लगता नहीं कि मुझे आज लग रहा है यही मेरा घर है और यही मेरा अस्तित्व है, मैं बाकी सब भूल गया। और आज भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर कितने दिन से हूँ, बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पर ही हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा भी एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक बार समय निकाल के अगर इस माहौल में आ जाएंगे, इस समागम में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपको वही सुकून, वही आनंद मिलेगा जो विकास जी ने पाया है। तो आशा करूँगा आप सभी को भी ऐसे लग रहा होगा कि हमें भी इस तरह का अनुभव करना है, तो मोस्ट वेलकम आप सभी का। अच्छा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो आत्मचिंतन की बातें या ज्ञान दिया गया है उसमें से कौन सी चीज़ें जो है आपको ऐसा लग रहा है कि यही तो मैं चाह रहा था? ओके, एक्चुअली थोड़ी सी मैं बाहर निकल जाता यहाँ से। जी, 2018 में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उसका असर मेरे ऊपर 5 साल के बाद हुआ। 2020 में थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई और वो डिप्रेशन से कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हो रहा है। मैं अगस्त 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक 3 महीना रात में सोया नहीं, और मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कि चलो आप बाबा के चरणों में चलो, बाबा के चरणों में चलो। मैं अस्वस्थ रहता था, मैं 5 मिनट भी बैठता नहीं था, एक जगह पर 5 मिनट बैठता नहीं था, किसी के साथ बात नहीं कर सकता था, बहुत अस्वस्थ था। लेकिन जब मुझे बताया कि चलो आप, और सतारा का सेंटर है, वहाँ पर कांचन दीदी और उज्ज्वला दीदी है, तो उन्होंने मेरा कोर्स लिया और मैं पूरी तरह से उसमें से बाहर निकल गया। जो बंदा 5 मिनट एक जगह पर बैठता नहीं था, वो घंटा घंटा, दो दो घंटा वहाँ पर बैठकर उनसे बातें कर कर उन्होंने मेरा पूरा डिप्रेशन से बाहर निकल दिया। अच्छा। और मैं आज मेरा मन को मैंने काबू में रखा है, जो मन मेरा भागता था इधर उधर, तो आज इस जगह पर आकर बिल्कुल मैं मेरे मन के ऊपर कंट्रोल किया। जी, जी, जी। सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अचीवमेंट है कि अगर जिस बंदे ने अपना मन को काबू में किया वो सब कुछ जीत लिया, और आज मैंने सब कुछ जीत लिया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मन के जीते जीते मन के हारे हार हैं, और जो मन हमारे काबू में आ जाता है तो निश्चित तौर पे हमें बेहद खुशी मिलती है। आइए, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश हमारे सभी सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे आप? मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपके समय बहुत समय है, और उसमें से थोड़ा सा समय अगर हम ओम शांति के लिए खुद के लिए दे देंगे, और खुद के लिए देना इसका मतलब ओम शांति में आ जाओ, ओम शांति से जुड़ जाओ, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर चीज़ आपको मिल जाएगी। जो आपको चाहिए वो इसी जगह पर है, सिर्फ आप बाहर ढूंढ रहे।
ओम ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया, जिसकी खोज आपके पास है वो खोज यहीं पर पूरा होगा, ये आपने बताया। तो निश्चित तौर पे हम सभी को कहना चाहेंगे कि जिस तरह से विकास जी ने एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस आप यहाँ आके कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी भी अपने मन पर काबू पाएं, मन को सुंदर बनाएं, सुमन बनाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग तेरे रंग में हम रंग गए से, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे। प्रभु तेरे रंग जैसे। प्रभु तेरे रंग डोर हो बंधी जो पतंग
जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग सदा